2012 में महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी। उस समय राज्य में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र का सर्वे किया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न शहरों के साथ लातूर और उदगीर को अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र घोषित किए गए। उस समय उदगीर में भाजपा विधायक सुधाकर भालेराव के कार्यकाल में अल्पसंख्यक समुदाय की 100 लड़कियों के लिए अल्पसंख्यक गर्ल्स हॉस्टल को मंजूरी मिली। गर्ल्स हॉस्टल की जगह को लेकर 7 वर्षों तक उदगीर में सियासत चलती रही। उसके बाद 16 सितंबर 2019 को चर्च रोड पर उस वक्त के विधायक सुधाकर भालेराव के हाथों निर्माण कार्य शुरू किया गया। 2021 में गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग तैयार हो चुकी थी। करीब 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक इस हॉस्टल को शुरू नहीं किया गया। मंजूरी से लेकर निर्माण तक करीब 12 साल बीत चुके हैं। आज भी हॉस्टल के इंतज़ार में अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियां हैं। वर्ष 2022 लातूर में गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन सार्वजनिक बांधकाम विभाग के मंत्री अशोक चौहान के हाथों किया गया था। उम्मीद जताई जा रही थी कि उदगीर के गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन होगा, लेकिन इस ओर देखने के लिए सरकार के पास समय ही नहीं। इसी को लेकर चर्चा ये हो रही है कि उदगीर का अल्पसंख्यक गर्ल्स हॉस्टल कब शुरू होगा। उदगीर अब शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया है। छात्रों की संख्या काफ़ी बढ़ गई। आज उदगीर शहर में अल्पसंख्यक समुदाय की 100 लड़कियों के लिए यह हॉस्टल बनकर तैयार हो गया है। इसी को लेकर हमने अल्पसंख्यक गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बांधकाम विभाग के अभियंता से इसकी जानकारी ली, तो बताया गया कि बिल्डिंग पूरी तरह तैयार हो चुकी है, लेकिन खिड़की दरवाज़ों और लाइट का काम बजट ना होने से रुक गया है। जैसे ही बजट मंजूर होगा, आगे के काम की शुरुआत होगी। साथ साथ शहर में ये भी चर्चा हो रही कि क्रीडा युवक कल्याण मंत्री क्या इस ओर ध्यान देंगे। संजय जी बंसोड़े मतदार संघ के विकास के लिए करोड़ों का बजट ला रहे हैं, और दूसरी ओर बजट ना होने से अल्पसंख्यक और हॉस्टल का काम पिछले 3 वर्षों से बंद पड़ा है। समाज के हर समुदाय का विकास करने वाले मंत्री महोदय क्या इस ओर ध्यान देंगे। इस तरह की चर्चा उदगीर शहर के अल्पसंख्यक समुदाय में चल रही है।